सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रेन कितने प्लेटफार्म नंबर से चलने वाले हैं और ट्रेन कितने घंटे लेट है। कई बार क्या होता है, जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है तो ट्रेन जो हमारा है किस प्लेटफार्म से जाने वाले हैं और ट्रेन जो है हमारे कितने घंटे या फिर कितने मिनट लेट है। कई बार हम जल्दबाजी में हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इंक्वायरी काउंटर पर जाकर हम ये पता लगा सकें कि हमारा ट्रेन जो है किस प्लेटफार्म पर खड़ा होने वाली है। इसकी वजह से भी हम लोग का ट्रेन छूट जाता है या फिर हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से चेक करते हैं तो कई बार जो होता है वेबसाइट पे प्लेटफार्म नंबर अपडेट जो होता है गलत अपडेट किया गया होता है, जिसकी वजह से भी हम लोगों का ट्रेन छूट जाता है। आज के वीडियो में बेस्ट वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जिससे आप लोग इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रेन जो है कौन सी प्लेटफार्म पे खड़ा होने वाला है और कितने मिनट या कितने घंटे लेट है। एग्जैक्ट सही वहाँ पे बताया जाता है और अपडेट भी है, टाइम टू टाइम वहाँ पे दिया जाता है। तो सिंपल आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है ट्रेन रनिंग स्टेटस। आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट बताया गया है जो कि आप लोगों को कौन सी प्लेटफार्म से ट्रेन जाएंगे और कितने घंटे लेट हो जो एक डेट बताता है। लेकिन हम काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ वेबसाइट ऐसे भी है जो काफ़ी ज़्यादा लेट अपडेट करता है जिससे कि हमारा ट्रेन छूट सकता है। तो आप लोग बेस्ट वेबसाइट की बात कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं रेल यात्री करके वेबसाइट है जो काफ़ी बेहतरीन है और अपडेट भी टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को ट्रेन नंबर डालना है। सिंपल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सर्च किया हूँ 12565 बिहार संपर्क क्रांति, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, इसके बाद डेट आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी डेट के, जैसे आज चला है, कल चला है, परसों चला है, अपने अकॉर्डिंग एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट थोड़ा ज़्यादा आता है, यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं स्टड है। इसके बाद हम यहां पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम जो हमारा एग्जैक्ट टाइम शो कर रहा है और यहाँ पर देख सकते प्लेटफार्म नंबर यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि एक नंबर प्लेटफार्म से निकलेंगे दरभंगा जंक्शन से, और यहाँ पर टाइमिंग के भी देख सकते हैं 8:25 ऑन टाइम पे और कितने घंटे लेट है ये भी आपको यहाँ पे अपडेट करने करके मिल जाता है। देखिए हॉल्ट भी देख सकते हैं कितने घंटे का हॉल्ट है, यानी कि 25 मिनट का हॉल्ट है। तो इस तरह से आप लोगों को इजीली तरीके से यहाँ से पता लगा सकते हैं हमारा ट्रेन जो है कितने मिनट लेट है और कितने घंटे लेट है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग भी चेक कर सकते ऑन टाइम पर, यानी कि लेट ट्रेन नहीं है। क्योंकि मैंने अदर वेबसाइट भी चेक किया था तो वहाँ पर हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जिससे की वजह से कई बार क्या होता है आप लोगों का ट्रेन छूट भी सकता है। तो इस वेबसाइट से आप लोग बिजली बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं हमारा ट्रेन जो है कौन सी प्लेटफार्म पर खड़े होने वाला है और कौन कितने मिनट कितने घंटे ट्रेन हमारा लेट है। और इसके बाद तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।